हेलो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपने भी पढ़ा होगा कि जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर को हम केवल एसी सप्लाई पर ही काम करवाते हैं या एसी सप्लाई से ही उसको देते हैं, डीसी सप्लाई नहीं देते। डीसी सप्लाई देने पर क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें मेनली होती क्या है फ्रेंड्स, ये वाइंडिंग होती है। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग और ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में मेनली एक वाइंडिंग होती है और जब भी हमारे पास वाइंडिंग शब्द आता है तो उसी के साथ एक रिलेटेड शब्द आता है इंडक्टिव, इंडक्टेंस। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम वाइंडिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाइंडिंग होती है तो इसके अंदर एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। यानी होता क्या, हमारी जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर प्रतिरोध कितना है, हर चीज का कुछ ना कुछ एक प्रतिरोध होता है। हम तार का प्रतिरोध देखते हैं तब हमारे पास वो प्रतिरोध शब्द सामने आता है, पर जब भी हम किसी कैपेसिटर या किसी वाइंडिंग को देखते हैं तब हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस सामने आता है। यह भी एक तरीके का प्रतिरोध ही है, पर जब हमारे पास ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है जिसको हम एक्सएल से डिनोट करते हैं, जब हम एक्सएल को देखते हैं तो इसका जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वो फॉर्मूला क्या होता है, 2πfL। अब ये 2πfL क्या है, 2 और पाई हमारा फिक्स होता है इसके अंदर। एफ क्या है, एफ होता है कि हम इस इंडक्टिव के अंदर यानी इस कॉइल के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं या कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। दूसरी बात आती है हमारे पास ये एल क्या है, एल है कि ये जो कॉइल है इस कॉइल के अंदर इंडक्टेंस कितना है। जब भी हम इसके अंदर जो हमारा ये वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग के अंदर हम एसी सप्लाई देते हैं, जब भी हम इस वाइंडिंग के अंदर एसी सप्लाई देते हैं, आपको पता होगा कि एसी की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। जो हमारी एसी जो चलती है, आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी, वो चलती है 50 हर्ट्ज पे। और इस सूत्र के अंदर यानी इस फॉर्मूले के अंदर जब हम 2 × 22/7 × 50 और मान लीजिए इसका कुछ भी प्रतिरोध है, यानी यहां पे हम मान लेते हैं 10 हेनरीज का प्रतिरोध है, 10 हेनरीज की कॉइल का इंडक्टेंस है, जब हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास निकल के एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी वाइंडिंग होगी, ये करंट लेगी। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज के अंदर अगर करंट बहता है तो वो बहता है उसके लोड यानी उसके प्रतिरोध के अनुसार। अब मान लीजिए इसके अंदर हम एसी सप्लाई दिए, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आती है 3142.85, यानी आगे चलती रहती है क्योंकि हमारे पास अपॉन में 7 है। ये आ रही है हमारे पास ओम के अंदर। ओम क्या है, वो हमने पढ़ी लिया था कि प्रतिरोध प्रतिरोधकता जो ये है ये क्या चीज होती है या इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसके अंदर एसी सप्लाई देते हैं तो हमारे पास ये मान निकल के आता है और इसी मान के अनुसार इस ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर करंट फ्लो होती है। ये तो बात हो गई एसी की, जो कि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर को या किसी भी वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई देते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था या जिस टॉपिक पे हम पढ़ रहे हैं कि इसे डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते, तो वो देख लेते हैं फ्रेंड्स होता क्या है इसके अंदर। मान लीजिए अब मैं एसी सप्लाई को नहीं दे रहा यहां पे, जब मैंने एसी सप्लाई हटा दी, जब मैंने एसी सप्लाई हटा दी और यहां पे मैं दे रहा हूं इसको डीसी सप्लाई, अब क्या होगा, वही ये फॉर्मूला तो जो सेम है, कंडीशन चाहे कुछ भी हो फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। वही हम 2 × 2 रख देंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7। अब आपको ये पता होगा कि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हम देखते हैं कि डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है जो होती है 0। ठीक है, हम यहाँ पे डीसी की फ्रीक्वेंसी रख देते हैं 0 इंटू के अंदर हमने पहले 10 हेनरी लिया था, अब भी हम 10 हेनरी लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर जो हमारी ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो आ जाती है फ्रेंड्स हमारे पास 0 ओम। ये क्या हुआ, ये फ्रेंड्स क्योंकि हमारी जो डीसी सप्लाई होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 0 और 0 फ्रीक्वेंसी होने पर जब इसको सूत्र में रखते हैं और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल जो प्रतिरोध निकल के आता है वो आता है 0। अब आपको पता होगा कि हमारे पास प्रतिरोध आ गया 0 डीसी के अंदर और एसी के अंदर प्रतिरोध आ गया हमारे पास 3142 हमारे पास था। अब जब हमारे पास डीसी में प्रतिरोध आ गया 0 और हमें पता है कि जो हमारी करंट होती है वो हमारे प्रतिरोध के विलोम अनुपाती होती है। जब यहां 0 है, यहां 0 होगा और जब ये 0 होगा तो यहां पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बनती है। हमें पता है कि किसी भी चीज का अगर प्रतिरोध 0 कर देंगे और उसको सप्लाई देंगे तो वहां पे एक शॉर्ट सर्किट होने की संभावना, ये शॉर्ट सर्किट होता है और उस शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे पास यहां पे करंट है वो अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। जब ये करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है फ्रेंड्स, तो हमारी जो ये वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो फ्रेंड्स जल जाती है।
अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जलेगी कौन सी। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जा रही है, उसमें कौन सा पार्ट जल जाएगा। ऑप्शन आते हैं हमारे पास कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग या उपयुक्त सभी। तो वहां पे फ्रेंड्स हमारे पास आएगा कि हमने सप्लाई दी किसको है। हम ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई दे रहे हैं प्राइमरी साइड पे, तो हमारी जो वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा वो जीरो कौन सी वाइंडिंग का होगा, वो होगा हमारे प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध। जब प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध जीरो होगा तो जो इसमें करंट जो बहेगी वो करंट बहेगी इसके अंदर बहुत ज्यादा या फिर अनंत, अनंत हम मान के चलते हैं। ऐसा होता नहीं, उससे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, या तो हमारी वाइंडिंग जो जल जाती है, जल के टूट जाती है, या फिर इसके अंदर लगे हुए जो बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं सुरक्षा युक्तियां, वो इसको ट्रिप कर देती है। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। इसीलिए हम एक ट्रांसफार्मर को या एक पंखे को या एक इंडक्टिव कॉइल को, जहां भी हम इंडक्टिव कॉइल आती है उस कॉइल के अंदर हम जब भी डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई देने वाली वाइंडिंग हमारी जल जाती है। इस कारण हम किसी भी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से ना देखे, एक ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई ना देखे, उसको एसी सप्लाई देते। तो इसी तरह की नई आपको वीडियोस, इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह की छोटी छोटी आप ये जानकारी मैं आपके साथ लेके आता रहूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और इलेक्ट्रिशियन गुरुजी परिवार के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।